नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएम आवास योजना का पहला किस्त आ गया है बैंक खाते में। तो लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जी दोस्तों, जो पहला किस्त जो होता है पीएम आवास के लिए जो पैसा आता है तो सभी के खाते में आ गया है। अगर आप भी अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको जो है समझ में आएगा और पैसा आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपने फ़ोन का गूगल ओपन कीजिएगा। देख सकते हैं मैं गूगल ओपन किया हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ RH, ठीक है, उसके बाद RE, उसके बाद P, इतना ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन RH रिपोर्टिंग। ये लिख के आप जो है सर्च कीजिएगा गूगल पे, ठीक है। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे वेबसाइट आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जूम कीजिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ आप साइड में देखिएगा तो एक ऑप्शन है होम का, आप देखिए ध्यान से, तो होम वाले पे आप क्लिक कीजिएगा। होम वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा और यहाँ पे एक आज़ादी का ये ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कट पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक ऐड जो है कट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐड जो है कट होगा, यहाँ इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐड कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ फ़ोटो वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप जो एक 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे, आप ये भी ध्यान से देख लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे खुलेगा ऑप्शन आवास सॉफ्ट का, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन खुलेगा डाटा एंट्री रिपोर्ट का, ठीक है। तो आप रिपोर्ट वाले पर क्लिक कीजिएगा, रिपोर्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा उसी पे आपको क्लिक करना और वैसे ही आपको देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे और यहाँ पे SECC रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है ई सेक्शन में है सेस रिपोर्ट, और नीचे 4 नंबर पर डाटा कैटेगरी वेरीफिकेशन समरी, ये जो ऑप्शन 4 नंबर पर आप क्लिक कीजिएगा। 4 नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे स्टेट नेम पूछेगा, स्टेट नेम आपको बताना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट नेम आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रखंड नेम आपको बताना है, कौन सा आपका प्रखंड है, प्रखंड नेम आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना पंचायत, ठीक है, पंचायत सेलेक्ट करेंगे। अब हो गया ये काम, उसके बाद यहाँ पे 19+50 यहाँ पे कुछ जोड़ घटाव रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो जोड़ना है, अगर माइनस रहेगा तो आपको घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो गया 60 और 9 669 हो गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूरा मोहल्ले का आप देखना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऊपर में ही अगर आपका नाम दिख रहा है, देखिए बहुत सारे लोगों का नाम दिख रहा है, तो आपको ये देखना है कि आवास का जो पैसा पहला किस्त तो आ गया है सभी के खाते में। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसमें से जो भी आपका नाम दिख रहा है इसके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक कीजिएगा। अब इस व्यक्ति का खाते में कितना पैसा या पहला किस्त वाला वो डिटेल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए यह डिटेल अभी खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, देखिए डिटेल खुल चुका है और यहाँ पे जो पहला किस्त जो आया है इन व्यक्ति को आप देखेंगे, ठीक है। तो पहला किस्त जो आया है यहाँ पे देखिए, इनको जो है अप्लाई किया गया है लेकिन इनको जो है पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जिनको पैसा आया है इनका, देखिए तो अभी प्रोसेसिंग में ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परपोज साइट अभी जो है प्रोसेसिंग में है, तो मैं बैक करता हूँ, कोई दूसरे व्यक्ति का लेता हूँ और इसका दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो है किस्त आ चुका है, देखिए पहला किस्त जो आ चुका है 40,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम भी चेक कर सकते हैं और किस्तें आया है जो फर्स्ट वाली वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही हम वीडियो बनाते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नया नया जानकारी मिलेगा, ठीक है।